जेपर्डी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलॉजी लीगल। ये बताइए कि लॉस क्यों होते हैं, यही जानने के लिए ना कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करने से सजा मिलेगी और क्या करने से नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रोटेक्शंस ऐसे भी हैं जो उन लोगों की राइट सेफगार्ड करते हैं जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया हो या जिनका ट्रायल पेंडिंग हो, जैसे आर्टिकल 20, आर्टिकल 22। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। देखिए, जब हम आर्टिकल 20 का ड्राफ्ट बना रहे थे तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बीएन राव ने ये पॉइंट आउट किया कि चाहे जिस भी प्रोग्रेसिव कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो, ये तीन राइट तो वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन से? पहला, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। चाहे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन हो या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का प्रोटेक्शन वहां पे मिलेगा ही। दूसरे हैं डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ अमेंडमेंट को ही देख लीजिए, ये दोनों प्रोटेक्शन आपको यहां मिलेंगे। ये तीनों ही राइट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके, पर पहले एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि आपको एक रफ पिक्चर मिल जाए कि आर्टिकल 20 क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है। तो चलिए इस एग्जांपल से शुरू करते हैं और मान लेते हैं कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप अपने फाइनल का पेपर लिख रहे हैं। आपको ये पता है कि आपका कॉलेज का लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है या फिर उस पर चीटिंग का शक होता है तो उस बच्चे का वो पेपर चेक नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। अनलकीली आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, इनविजिलेशन कमिटी के सामने आप प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनविजिलेशन कमिटी ये कहती है कि नहीं, हमें स्ट्रिक्ट लॉस बनाने चाहिए, अब से जो भी बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा उसका पूरा का पूरा सेमेस्टर बार कर देंगे, कोई पेपर चेक नहीं होगा, उसका सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या ये फेयर होगा? चलिए आर्टिकल 20 को समझते हैं हम इसी एग्जांपल से। देखिए, लेजिस्लेचर चाहे तो किसी भी टाइप के लॉज बना सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव नेचर के या रेट्रोस्पेक्टिव नेचर के। प्रोस्पेक्टिव नेचर के मतलब अगर उन्हें आज कोई लॉ बनाया है और वो कहे अब से अगर आप कुछ करें तो आपको सजा होगी, ये हुआ प्रोस्पेक्टिव नेचर। रेट्रोस्पेक्टिव नेचर मतलब उन्होंने लॉ तो आज बनाया पर कहा 1992 में भी अगर आपने कुछ किया होगा तो उसके लिए आपको सजा होगी। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 लेजिस्लेचर को क्रिमिनल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बनाने के लिए रोकता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज। इसका सिंपल मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आज आपने कुछ ऑफेंस किया हो तो आपको आज के लॉज के हिसाब से गवर्न किया जाए, आगे जाके अगर लॉज चेंज होते हैं तो उससे आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसे मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ। 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि सबसे पहले ऑफेंसेस, आज की डेट पे अगर आपने कोई काम किया है और आज जो भी लॉज एग्जिस्ट करते हैं अगर वो उस काम को बोलते हैं कि हाँ ये क्रिमिनल एक्ट है, ये ऑफेंस है, तो ही आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपके काम को ऑफेंस करार करे तो आप इनोसेंट रहेंगे। दूसरी है पेनल्टी। 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि आज अगर आपने कुछ ऑफेंस किया है और उसकी कुछ पेनल्टी है तो आपको उससे ज्यादा सजा नहीं मिल सकती। तो अगर आपने आज चीटिंग की है और आज के रूल के हिसाब से आपका आज का पेपर बस चेक नहीं होना चाहिए तो आपका सेमेस्टर बार नहीं किया जा सकता। अब ऑफेंसेस और पेनल्टी को तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करती। आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए हुए जो भी वर्ड्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप जनरल क्लॉजेस एक्ट को रेफर कर सकते हैं। 20 क्लॉज 1 को समझते हैं दो केस लॉज से। पहला है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। हुआ क्या, 1947 की बात है, एक इंसान ने एक ऑफेंस कमिट किया और 1947 में लॉ था कि या तो आपको उस ऑफेंस के लिए इंप्रिजनमेंट हो सकती है या तो आपको फाइन लगेगी। ट्रायल चलते चलते हो गया 1949 और इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ को अमेंड कर दिया, उन्होंने फाइन का अमाउंट डबल कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने 1949 में हुए अमेंडमेंट के हिसाब से इनको सजा दी और डबल फाइन इम्पोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ऑफेंस कमिट किया था 1947 में तो 1947 में जो लॉ था आपको सिर्फ उसके हिसाब से सजा हो सकती है, आगे होने वाले लॉज के हिसाब से नहीं। 20 क्लॉज 1 का दूसरा पर्सपेक्टिव समझते हैं रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ आता भी है पर उसका असर ऐसा होता है कि जो भी अक्यूज है उसकी पनिशमेंट रिड्यूस हो जाती है, उसकी सजा कम हो जाती है या अक्यूज को उससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वैलिड होगा। 20 क्लॉज 1 उस लॉ को रिपील नहीं करेगी। तो फाइनली 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि जो भी एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज होंगे वो क्रिमिनल मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्रिमिनल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जब आपने जो ऑफेंस किया तब जो लॉज है आप उसी के हिसाब से गवर्न किए जाएंगे। 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी की। इसका एक्सप्रेशन है ये मैक्सिम, नेमो डेबिट बिस विक्सारी, मतलब
एक इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं होनी चाहिए. अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया कि 20 क्लॉज 2 के अंदर प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. पहला, आप एक ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड हो. दूसरा, उस ऑफेंस के लिए आपका प्रोसिक्यूशन चल रहा हो. और तीसरा, उस प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट होना चाहिए पनिशमेंट. जब ये तीनों चीजें हो जाती है तभी आप 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन ले पाते हैं. मानिए कि कोई इंसान है जिसपे किडनैपिंग का चार्ज लगा है, उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा है और उसको किडनैपिंग के लिए सजा मिल गई. जब ये तीनों चीजें फुलफिल हो जाती है तो वापस से उसी इंसान को उसी किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती. हाँ, पर अगर आगे जाके मैं उस इंसान को कॉन्स्पिरेसी फॉर किडनैपिंग के लिए ट्राई करना चाहूँ, उसके लिए पनिशमेंट दिलवाना चाहूँ, तो 20 क्लॉज 2 मुझे नहीं रोक सकता. मतलब एक ऑफेंस जिसके लिए आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट सब हो चुका है, उसी सेम ऑफेंस के लिए आपको वापस पनिशमेंट नहीं मिल सकती. आप 20 क्लॉज 2 की हेल्प ले सकते हैं. पर अगर कोई दूसरा ऑफेंस है जिसकी इंग्रेडिएंट्स ही डिफरेंट है, उसके लिए आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट हो सकता है, उसके लिए आप 20 क्लॉज 2 की हेल्प नहीं ले सकते हैं. 20 क्लॉज 2 का क्लासिक केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का. इसमें क्या हुआ, एक इंसान फॉरेन कंट्री से बहुत सारा गोल्ड लेके आ रहा था बिना किसी डिक्लेरेशन के. तो जो कस्टम अथॉरिटी वाले थे वो सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट के अंदर उन्होंने वो गोल्ड सीज कर लिया. इसके बाद उस इंसान पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर कार्यवाही होने लगी. तो उसने कहा कि जब मेरा गोल्ड सीज कर लिया गया है, मतलब सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट के अंदर जब मुझे पनिशमेंट मिल चुकी है, तो मैं 20 क्लॉज 2 के अंदर प्रोटेक्शन लूंगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन तभी मिलती है जब आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट कोई जुडिशियल अथॉरिटी करे. सिर्फ डिपार्टमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर अगर आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट होता है तो आप 20 क्लॉज 2 का अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं ले सकते. आपके अगेंस्ट फिर भी कार्यवाही हो सकती है. तो डबल जियोपार्डी का सिंपल मतलब यह है कि एक ऑफेंस और उसी का प्रोसिक्यूशन प्लस पनिशमेंट अगर आपको हो जाती है तो फिर से आपको सजा नहीं हो सकती है. अगर ऑफेंस ही चेंज हो जाए तो वापस से प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट हो सकती है. ऑल्सो ये जो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट है ये किसी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, तभी आप 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन ले पाएंगे. 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से. इसका एक्सप्रेशन है नेमो टेनेटर प्रोडेर एक्यूजेर साइटसिम. प्रोनंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है पर इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान है जिसपे किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है तो आप उसको खुद की अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए, खुद की अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं. नो मैन शुड बी बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ. 20 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्शन लेने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए. पहला, आप पे कोई ऑफेंस का चार्ज लगना चाहिए. दूसरा, उस ऑफेंस के अगेंस्ट आपको विटनेस बनने के लिए, एविडेंस बनने के लिए कहा जा रहा है. तीसरा, ये जो एविडेंस आप देंगे ये आप ही के अगेंस्ट यूज होगा. जब ये तीनों इंग्रेडिएंट फुलफिल हो जाते हैं तब आप 20 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हैं. 20 क्लॉज 3 के एप्लीकेशन को और क्लियर करने के लिए चलिए इन दोनों केसेस को समझते हैं. नन्नी सतपति वर्सेस पीएल दानी के केस में क्या हुआ कि एक इंसान था जिसपे करप्शन के चार्जेस लगे थे. उसको क्लैरिफाई करने के लिए उसे कहा गया कि तुम पुलिस स्टेशन आओ और एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आंसर करो. इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन लिया और ये कहा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं मैं इनमें से किसी का आंसर नहीं करूंगी. पुलिस वालों ने उनके अगेंस्ट सेक्शन 179 लगा दिया जो ये कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो ये पनिशेबल होगा. तो एक हाथ में 179 और दूसरे में 20 क्लॉज 3. सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये सेटल किया कि उन क्वेश्चंस का जवाब देने से मना करना ये प्रोटेक्टेड है 20 क्लॉज 3 के अंदर और इस पे 179 अप्लाई नहीं करेगा. साथ ही साथ सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी भी यही कहता है कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस है जिनका आंसर देने से आप खुद को एक्सपोज करेंगे तो आप उन क्वेश्चन का जवाब देने से मना कर सकते हैं. इस पॉइंट पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पे. सेक्शन 25 एंड 26 ये कहते हैं जो भी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको देने से आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स इनएडमिसिबल होते हैं. देखिए ये जो सारे प्रोविजंस हैं इनके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जाए, फोर्स नहीं किया जाए एविडेंस देने के लिए, विटनेस बनने के लिए. तो अगर कल को कोई स्टेटमेंट दे कि हाँ मैंने ही चोरी की है तो इस स्टेटमेंट की कोई एडमिसिबल वैल्यू नहीं होती है. पर अगर कोई कहे कि हाँ मैंने चोरी की है और जो चोरी का सारा सामान है ये आपको मेरी गाड़ी की डिक्की में मिल जाएगा, पुलिस जाती है और गाड़ी में वो सारा सामान मिल जाता है, तो ये जो सारे टर्न ऑफ इवेंट्स है
ये एडमिसिबल होगा सेक्शन 27 के अंदर। तो ये एग्जाम्पल क्लियर है? तो आप मुझे जवाब दीजिए कि एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक इंसान पे मर्डर का चार्ज लगा है, पुलिस को मर्डर वेपन मिलता है, इसी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो उस इंसान को बुलाते हैं और उसे अपना थंब इम्प्रेशन देने को कहते हैं, तो ये इंसान 20 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्शन लेता है और ये कहता है अगर मैं ये एविडेंस देता हूँ, अगर मैं ये विटनेस देता हूँ तो ये मेरे लिए सेल्फ हार्मिंग होगा, मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा, तो मैं अपना थंब इम्प्रेशन नहीं दूंगा। क्या 20 क्लॉज 3 ये प्रोटेक्शन भी देता है? नहीं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू उगाड़ के केस में यही कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइटिंग स्पेसिमेंट, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, ये सारी जो चीजें हैं ये टू बी अ विटनेस की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो अगर ये सारी चीजें मांगी जाए तो इन्हें देने से आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, इनके अगेंस्ट 20 क्लॉज 3 एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप आर्टिकल 20 और उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको क्लियर होंगे। डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।